अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है आपको पता है कि हम अभी डबल कंस्टेंट से थोड़े से आगे निकले हैं। एक डबल कंस्टेंट ही का है एडजेसेंट, एक आज हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे। अपन कहते हैं कि पी आर सीरीज में जो हमने पीछे एक पूरा लेसन या एक पूरा चैप्टर किया, हमने उसमें पढ़ा कि पी आर सीरीज हमने किस तरह पी आर अगर इकट्ठा आ जाता है या टी आर एक सीरीज थी मूवी टी आर डी आर जे आर के आर के आर वगैरह वगैरह, तो हमने उसको कैसे उसकी कंस्टेंट कैसे राइट करनी है वो हमने पढ़ी देखी और सीखी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल उससे रिलेट करता है और उसमें बताता है कि अगर पी और आर जो हमने पहले जो है उसका एक बार चैप्टर किया है उसमें पी आर या टी आर या पूरी एक सीरीज उसमें पी और आर के दरमियान में कोई वाउल नहीं आता था, जैसे प्रे, ठीक है, जैसे प्राइस। अगर आप देखें तो पी और आर के या पूरी एक सीरीज में इसके दरमियान में कोई वाउल नहीं आता, तो वो तो हमने उसकी स्ट्रोक बनाई जैसे बनती थी पी आर, एक क्लॉक वाइज हम लोग बनाते हैं इनिशियल, वो पी आर या टी आर डी आर को रिप्रेजेंट करती है। अगर कहता है कि उनके दरमियान में पी आर या टी आर या पूरी एक सीरीज के दरमियान में लॉन्ग आ और शॉर्ट आई, लॉन्ग आ फर्स्ट प्लेस का पहला वावल और शॉर्ट आई थर्ड प्लेस का दूसरा वावल अगर आ जाता है दरमियान में, ये दो वावल, दूसरे वावल अगर आते हैं डजंट मैटर, हमने वो कंसीडर नहीं करना है एज वावल, लेकिन अगर ये वावल आ जाते हैं, मैं पी आर सीरीज की बात कर रहा हूँ, पी आर सीरीज में अगर ये दोनों वावल आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। कहता है कि जो वावल होगा जिस प्लेस का होगा उस प्लेस की जगह पे हमने एक सर्कल बना देना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पार्सल, सी ई एम पार्सल, पार्सल। अब इसमें देखें कि पी और आर के दरमियान में लॉन्ग आ गया, लॉन्ग आ गया। अब ये पी और आर के दरमियान में वैसे तो हम ये बना देंगे पार और सल पार्सल, लेकिन वावल यहां पे आता है, यहां पे आता है। अब ये पता नहीं चल रहा कि वावल कहां पे आ रहा है, ये पी आर के दरबार में तो नहीं आ रहा, तो ये जो वावल है इसको सही इंडिकेशन, वावल की इंडिकेशन के लिए कहता है कि यहां पे सर्कल बनाए, आपको ये सर्कल बना बताएगा इंडिकेट करेगा कि ये वावल कमिंग इन द मिडल ऑफ द पीआर्स, ठीक है, मिडल ऑफ द पीआर सीरीज, ठीक है। तो ये मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि ये दो वावल है उसने स्पेसिफिकली हमें बता दिए, लॉन्ग आ फर्स्ट प्लेस का दूसरा पहला वावल और शॉर्ट आई थर्ड प्लेस का दूसरा वावल, ये अगर आते हैं पी आर सीरीज में तो फिर हम जिस प्लेस का वावल होगा उस प्लेस पे हम एक सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड आता है डायरेक्ट, मैं आपको बताता चलूं एक जिम्मी बात, जिम्मी तौर पे बात, ये वर्ड डायरेक्ट नहीं होता, ये वर्ड डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, नॉट डायरेक्ट बट डायरेक्ट, ठीक है जी। और ये हमारी इसकी ये स्ट्रोक बनती है। अब चूंकि डी और आर के दरमियान है वावल शॉर्ट आई वावल इज अ थर्ड प्लेस वावल, ठीक है जी, वी राइट एंड ऑफ द कंसोनेंट इन थर्ड प्लेस वावल और यहां पे इसका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसने हमें बताया कि अगर वावल सेंटर में आ जाता पी आर सीरीज में, पी आर टी आर डी आर जे आर डी आर के आर वगैरह के सेंटर में अगर वावल आता है तो वावल दो में से, अगर लॉन्ग आर शॉर्ट आई में से वावल दोनों में से एक वावल है तो जिस प्लेस का वावल होगा उस प्लेस पे सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल इंडिकेट करेगा कि वावल पी आर सीरीज के सेंटर में आ रहा है, ठीक है जी। ये तो था हमारा पी आर सीरीज और दो वावल उसने हमें स्पेसिफिकली बता दिए कि दोनों डॉट वावल हैं और एक फर्स्ट प्लेस का और एक थर्ड प्लेस का है। डैश वावल के लिए भी यही रूल है, डैश वावल के लिए बताता है लेकिन वो दोनों सीरीज के लिए होगा, वो पी एल सीरीज के लिए होगा और पी आर सीरीज के लिए भी होगा। जैसे वर्ड है फॉर एग्जाम्पल वर्ड है सी ओ डबल आई जी ई कॉलेज, वर्ड है कॉलेज। अब देखें के और एल के दरमियान में आओ पाओ, ये कॉलेज नहीं वर्ड होता कॉलेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कॉलेज। अब वावल चूंकि स्टार्ट ऑफ द कंसोनेंट आता है फर्स्ट प्लेस में
first place with place of vowel have a start of the consonant. ठीक है, आई राइट द वावल प्लेस दिस प्लेस, बट चूंकि ये वावल आपका आया है के और एल के सेंटर में मिड में आ गया है, तो जिस प्लेस का वावल होगा उस प्लेस से हम उसको काट देंगे, उसी वावल साइन से, उसी वावल डैश से हम उसको काट देंगे। अब ये जो काटा हुआ है स्टार्टिंग से, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वावल इज प्लेसिंग सेंटर ऑफ द के और एल, ये आपका यहाँ पे आ रहा है वावल। ठीक है जी, तो ये आपका ये बता रहा है। इस तरह कुछ और भी वावल है, फॉर एग्जाम्पल एक थर्ड सेकंड प्लेस का वावल ले लें, सी ओ यू आर एस ई, वर्ड है कोर्स, वर्ड है कोर्स, लॉन्ग ओ, कोर्स लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ इज अ सेकंड प्लेस वावल, वी राइट ऑन द लाइन, प्लेस ऑफ हमारी स्ट्रोक होगी वो ऑन द लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वावल है, ये जो वावल प्लेस है इसकी, चूंकि वो सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस में प्लेस स्ट्रोक ऑन द लाइन होती है, हमने ऑन द लाइन, और प्लेस ऑफ वावल जो होता है उसमें सेकंड प्लेस में वो मिडिल ऑफ द कंसोनेंट होता है या सेंटर ऑफ द कंसोनेंट होता है, तो हम सेंटर ऑफ कंसोनेंट से इसको काट देंगे, मिडिल से इसको काटेंगे। ये कटा हुआ हमें बता रहा है कि के और आर के दरमियान में वावल आ रहा है, के और आर की होग के दरमियान वावल आ रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरह ये हमारे यही सिलसिला चल रहा है। आगे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके इसी सीरीज में पी एल और पी आर सीरीज में कुछ डिफ्थोंग भी आ जाता है, सेंटर में टी आर के सेंटर में आ जाता है या पी आर के सेंटर में आ जाता है, तो हम जो भी कंसोनेंट जो भी वो डिफ्थोंग वहां पे होगा उसी डिफ्थोंग के साथ उसकी अपनी जो उसकी प्लेस होगी वही डिफ्थोंग की उससे उसको काट देंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड है एल ई सी टी यू आर ई, वर्ड है लैक्टोर, दिस इज प्रोनाउंसड एज प्रोनाउंसिएशन लैक्टोर नॉट लेक्चर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेक और टी और आर, लैक्टोर, यू का डिफ्थोंग आ गया है टी और आर के दरमियान में, सो हम फिर क्या करेंगे इसको, चूंकि यू का डिफ्थोंग है वो थर्ड प्लेस का हम थर्ड प्लेस के तौर पे यूज करते हैं, वो एंड ऑफ द कंसोनेंट आता है थर्ड प्लेस में वावल, तो हम इसको एंड से काट देंगे। अगर ये लेक्चर से लेक्टोर से लेक्टोर्स बन जाता है लेक्टोर्स, तो फिर हम ये रूट यूज नहीं करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको एस सर्कल लगाएंगे, फिर हम टी को अलग बनाएंगे और यू को डिफ्थोंग अलग से लगाएंगे अगर उस प्लूरल में आ जाता है, अगर सिंगुलर है तो फिर हम यू की डिफ्थोंग से काटेंगे उसको, लेकिन अगर ये डबल में आ जाता है ये प्लूरल में आता है तो फिर हम क्या करेंगे, एस हम लगाएंगे और यू का डिफ्थोंग अलग से बनाएंगे। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक था ये वाला जो हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। कल तक के लिए आप जानकारी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।